subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कर दी अपनी ही मां की दिवाली काली, अनुपमा को खुद ही तर्पण कर देना चाहिए ऐसी स्वार्थी बेटी का। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी ही तकलीफ हुई आज का पूरा ये आध्या का जो एटीट्यूड देख के, आध्या का बिहेवियर देख के, आध्या की बातें सुन के। तो बात करते हैं पहले वही निवेदन वही गुजारिश, अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, किस तरीके से हमने देखा कि अनुपमा को, हालांकि मां को भूल गई, मां की लोरियां नहीं भूली, जो मां की अच्छी अच्छी चीजें वो तो रखी हुई है, वही बच्चों को सुना रही है। तो अनुपमा ने जाते ही वो लोरी सुन के ही उसको, जो बच्चे लोरी सुन के एक छोटे बच्चे को जो है चुप करा रहे थे, अनुपमा समझ गई कि यही मेरी बेटी है, ये राही ही आध्या है। और अनुपमा किस तरीके से भागी भागी जाती है, और राही जो कि पहले ही भाग चुकी है, तो वहां पे जाके अनुपमा किस तरीके से उसको जो है अपनी बेटी को अपनी पूरी चीज जो है थोड़े ही शब्दों में बता देती है कि आज जो मेरा आंसू निकला है ये खुशी का आंसू है, इतने सालों के बाद पहली बार, इतने सालों के बाद पहली बार मैं मुस्कुराई हूं दिल से। भैया तू पूछ तो सही, तू बात तो कर। और किस तरीके से वो अनुपमा को धक्का मार के गिरा देती है, वो नहीं देखती कि मेरी मां की उम्र हो चुकी है, मेरी मां के चश्मा लग चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी नफरत, अपनी चीजें दिखाई देती है। ये जब छोटी थी तब भी था, ये जब आध्या बनी तब भी था, ये आज भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्ची का दर्द, बच्ची का फलाना, बच्ची का ये अब क्या है बच्ची का, मुझे बताइए। ये बच्ची आज भी नहीं सोचती कि मेरी वजह से, मेरे इस गुस्से की वजह से एक जिंदगी चली गई, एक औरत मेरी वजह से आग में जल के मर गई। क्यों पकड़ के खींच रही थी अंश को, भाई उसका तो बेटा है। उस चीज का एहसास होने की बजाय बल्कि अपनी मां को दोष दे रही है, आज भी सब कुछ भूल गई। कैसे मां ने अपने पेट में तुम्हारा, तुम्हारे लग रहे हो, तुम तो कब की चली चल चल बच गई होती। और धक्का मार के गिराने के बाद भी उसको एक सेकंड के लिए एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद उसने दूसरा कदम उठाया कि मैं तर्पण करती हूं, मर गई हो तुम मेरे लिए। कमाल है। अनुपमा बार बार बोलती है, पूछती है कि मेरी गलती तो बता, बताना ऐसा मैंने क्या कर दिया है, अनजाने में ही कर दिया होगा। वो तो मान जाती है कि भाई हो सकता है मुझे पता ही ना हो, मुझे बता तो सही मेरी गलती, मगर गलती कैसे बताए, कैसे बताए कि मेरे मुझे तुम पुलिस को पकड़ाने वाली थी क्योंकि मेरी वजह से किसी की मृत्यु हो गई थी, कैसे बताए कि मैं उतनी सी बात सुन के प्री ऑक्यूपाइड माइंड में मैं घर से भाग गई, क्योंकि भागना तो मुझे बचपन से आता है, यही तो सीखा है मैंने। और कमाल की बात यह है कि उसके बाद जब सागर जब प्रेम बात करता है तो वो कहती है कि ये श्राप है, मां वरदान नहीं होती, मां मेरी मां को देखो, मां एक श्राप होती है। कैसे कैसे इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल जाती हो, कैसे कहा कि मेरी जो भी चीजें हैं मेरी मां की वजह से। अगर किसी को देखना है तो मेरी मां को देख लो आके,
अब सागर को, हालांकि सागर को पता नहीं, सागर को विश्वास नहीं होता क्योंकि कुछ दिनों में ही अनुपमा की मुलाकात से उसने जान लिया है, मगर वो तो कह देती है अपनी तरफ से कि ये दुनिया की सबसे घटिया मां है। वाह क्या बात है। हालांकि अनुपमा ने कहा कि राही पत्थर इमारत कुछ भी नाम रख ले, लेकिन तू छोटी है, छोटी जिसको हम अनाथ आश्रम से लेके आए थे। अब मजबूरी में अनुपमा के साथ जाएगी या किस तरीके से जाएगी, लेकिन दिल तो, हार्ट तो क्लीन नहीं होगा इस लड़की का, इसी तरीके से जाएगी और ये डिजर्व नहीं करती है। ऐसी लड़की को, मुझे लगता है कि ऐसी बेटी को भैया ठीक है तुमने तर्पण कर दिया तो हम भी करते हैं, लेकिन वो अनुपमा है, उसके पास सिर्फ प्यार है, प्रेम है, वो नफरत कर ही नहीं सकती। और आध्या के पास बचपन से उसके पास नफरत ही नफरत है, लॉजिक कभी नहीं। एक सेकंड इतना सा भी सोचा होता ना कि भैया मैं बात करूं, कि क्या पता कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो। मैंने तो उतना सा डायलॉग मां का सुना ना अपनी का, और मैं भाग गई। और पॉप को मैं कोई दोष नहीं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात जो कह देती है कि आई एम श्योर कि पॉप की मौत की जिम्मेदार भी आप हो। अनुपमा के ऊपर सच में जैसे पहाड़ टूट जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि ये तो तोशु पा की ये सबसे नालायक बेटी है, जो कि कभी भी अपने बारे में ही सोचती है। कल को भी फिर कुछ हो गया कि क्या गारंटी भाई अनुपमा फिर से ले जाएगी। कल को इसकी शादी हुई ससुराल में, कुछ हुआ, फिर से ये अनुपमा को ही दोष देगी, बाकी भी तो यही करते हैं, तो आध्याय और उसमें उनमें क्या डिफरेंस हुआ भाई। चल मान लिया तब भी आध्याय, जब आध्याय थी तब 13 साल की थी, अब तो बड़ी हो चुकी है, अच्छी खासी जवान लड़की है, बाकी सब जुगाड़ लगाने आती है, लोगों को ठगना आता है, बाकी सब चीजें आती है, ये चीजें सोचनी नहीं आती है। ये पूरा यहां का ही देख लेती कि कैसी मेरी मां मुझे तड़प रही है, कैसे आई है यहां पे, कैसे वो यहां पे बच्चों को खाना खिला रही है, इतनी दूर यहां पे आई, कैसे मेरी वो उसने रंगोली बनाई, ये सब चीजें कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपनी एक नफरत के आगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या सच में अनुपमा को फिर से आध्याय को लेके जाना चाहिए? लेके तो जाएगी, मगर अनुपमा को आधे के प्रति थोड़ा सा अपना रवैया जो है सख्त करना चाहिए। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।